कहीं कोई राजा किसी की प्रजा की बात सुनने को तैयार नहीं है तो फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोगों ने घर घर जाके अपने शब्दों से प्रचार किए हैं। ए और बी का खेल, ये गेम खेलते हैं। राजवीर सोरखी, प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा प्रदेश। आज फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लोकसभा की। आज की फरीदाबाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश लेकर के आए हैं, और फरीदाबाद लोकसभा के अंदर माननीय बहन जी के आशीर्वाद से ठाकुर किशन सिंह जी को लोकसभा का प्रभारी लगाया गया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य, जो दूसरा जो अहम विषय है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा निकालने जा रही है। और आज प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अपराध, महिलाओं के साथ आए दिन तरह तरह की घटनाएं हो रही है, और महंगाई से आम जनता त्राही त्राही कर रही है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बतौर प्रदेश अध्यक्ष में प्रदेश की जनता से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की अपील करता हूँ। क्या नाम है सर? मनोज चौधरी जी, हरियाणा प्रदेश महासचिव जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपकी जो संकल्प यात्रा जो है 10 दिन की जो है निकलने वाली, क्या कहोगे? 10 दिन की जो संकल्प यात्रा है, एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ माननीय आकाश आनंद जी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और आज आकाश आनंद जी को एक युवा आज एक चेहरा देख रहा है बहुजन समाज पार्टी में। लोग बहुत उत्साह के साथ बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, और इस यात्रा के तहत एक हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में नंबर वन की पार्टी बनेगी, और हरियाणा प्रदेश में सभी उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। नहीं, जिस तरीके से EVM का विरोध चल रहा है, आपकी पार्टी भी लगातार इसका विरोध करने लग रही है, तो ऐसे में जो है अब की बार भी जो चुनाव होता है, अगर वो EVM पर ही होता है तो फिर क्या करें? देखो, EVM के विरोध में बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहले से ही जो है इनका विरोध करती रही हैं, और सच्चाई से आज भी जो है EVM को बंद करके अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो देश से भाजपा इस देश से खत्म हो जाएगी, और बसपा एक नंबर की पूरे देश में और प्रदेश में पार्टी बनेगी। जिस तरीके से देखने को मिला कि भी दिल्ली में भी जो है EVM से चुनाव होता है, तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर कैसे सरकार बनाती है जब EVM में आप लोग जो है गड़बड़ी की जो बात रख रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ सरकारें क्यों बदल जाती हैं? देखो, इनका जो है ना ए और बी का खेल है, ये गेम खेलते हैं। और इस देश में अगर किसान की बात कोई करता है, मजदूर की कोई बात करता है, संविधान की बात करता है, तो बहुजन समाज पार्टी करती है। अन्यथा आप किसी भी पार्टी को लेकर देखेंगे तो वो धन्ना सीटों की पार्टी है, धन्ना सीट सारे एक हो जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जो बड़े नेता कांग्रेस में जो पहले थे आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इनका जो है, जैसे माननीय साहब काशीराम जी कहा करते थे, कांग्रेस और भाजपा ये सापनाथ और एक नागनाथ पार्टी है, तो इनका जो है मिला जुला खेल है। बहुजन समाज पार्टी देश में एक अच्छा और नया विकल्प है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और उन्हीं के आदेशों के अनुसार, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार, उनके हुक्मानुसार आज फरीदाबाद में आप जितने भी प्रेस के बंधु हैं सभी का मैं स्वागत करते हुए, हमारे मंच पर उपस्थित मनोज भाई, हमारे विक्रम भाई, और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष हमारे सरदार जी, और हमारे बीच में जो मेन मुख्य आज के जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मानित साथियों आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये हमारे बीच में किशन सिंह ठाकुर जी, जिनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार आज लोकसभा फरीदाबाद से प्रभारी नियुक्त किया जाता है, और निश्चित तौर पर इनको प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी घोषित करेगी। आज से ये फुल फ्लैश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी हैं, और फुल फ्लैश इस सीट को देखने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर हमें पूरा आशा और विश्वास है कि इस सीट को ये जीत करके, पूरी मेहनत और ईमानदारी से, निष्ठा से जीत करके बहुजन समाज पार्टी के जोड़ में डालने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा हो तो गिनाए, और गिनाने की बात यह है सभी लोगों को, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक के, एक गरीब से लेकर के अमीर तक के, हर व्यक्ति परेशान है, सभी लोगों को मुद्दों का पता है। महिलाएँ परेशान हैं, किसान परेशान हैं, बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं वो परेशान हैं, हर तरह की प्रदेश में क्या पूरे देश में वैसे तराई तराई मची हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरह के हरियाणा में और पंजाब के लोगों के ऊपर
किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, आज धरने पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। सरकार को चाहिए उनकी सुनवाई करे, उनकी बात तो सुने कम से कम। उनके ऊपर फैसला लेना ना लेना ये तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम उनकी सुनवाई करके उनकी बात को, उनकी अर्जी लेने का काम करे। तो एक हिटलर शाही रवैया चल रहा है सरकार का, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब कहीं कोई राजा किसी की प्रजा की बात सुनने को तैयार नहीं है तो फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। किशन सिंह ठाकुर में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे बूढ़े जवान सबको पसंद हैं। जब ये बच्चे के साथ बैठ जाते हैं तो बच्चों में हिलमिल जाते हैं, जब दीवान के साथ बैठ जाते हैं जवान के साथ सब इनके तार जुड़ जाते हैं, जब बूढ़े के साथ बैठते हैं उसी तरह गंभीरता इनमें आ जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस फील्ड में जाते हैं, जैसे क्षेत्र में जाते हैं, जिस जगह बैठते हैं, जिस पटल में बैठते हैं, उसी तरह की ये बात उसमें ढलने का काम करते हैं। इसलिए किशन ठाकुर पे हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोकसभा की सीट जीत करके बहुजन समाज पार्टी की जीत निकाले। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हरियाणा के अंदर बसपा पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखो ये भविष्य की बात होती है, इसमें गठबंधन पे अभी कोई हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। गठबंधन फिलहाल हम अकेले ही तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में क्या हो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठाकुर साहब, आज आप कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं तो एक अब किस तरह की तैयारियां आपकी होंगी आने वाले समय में? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बड़ी बहन मायावती जी को धन्यवाद देता हूं और आकाश आनंद जी को कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, और मेरे बड़े भाई जो मुख्य प्रभारी हैं पंजाब के हरियाणा के बेनीवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो रस्ते में आ रहे हैं, इन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। मैं एक हमारे मनोज चौधरी जी हैं जिले के फरीदाबाद के, सरदार उपकार सिंह जी हैं पलवल जिले से अध्यक्ष हैं, और सभी मैं सबका जो एक रीढ़ की हड्डी है बसपा की, सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस का भी हरियाणा प्रदेश में और देश की राजनीति में बहुत बड़ा अहम रोल, आपका भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। ठाकुर साहब, एक सवाल है जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आप हरियाणा में उस जगह मजदार में खड़े हुए हैं जहाँ पर सत्ताधारी है भाजपा और उसके साथ पैसे और प्रचार और प्रसार करने में कांग्रेस का कोई जवाब नहीं, आपकी पार्टी कहीं से भी प्रचार और प्रसार करने में नाकाम होती है, तो कैसे इनके बीच में आप अपनी सीट हासिल कर पाएंगे? देखो, जब हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई शुरू में 1995 में, हम 2007 तक की सरकारें के बारे में आपको बता रहे हैं कि हमारी सरकार में, हमारी बात उस टाइम पे 1995 में जो हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे मीडिया में हमारी बात कहीं नहीं आती थी, कोई अखबार हमारा एक अक्षर नहीं लिखता था। हम लोगों ने घर घर जाके अपने शब्दों से प्रचार किए हैं और वो प्रचार जितने लोगों में ज़्यादा गया है उतने लोगों के वो प्रचार हुआ, और प्रचार के माध्यम से उन दुआओं से उन गरीबों की पार्टी, उन गरीबों की सरकार बनने का काम हुआ उत्तर प्रदेश में, केवल एक मुंह के प्रचार से, शब्दों से हुआ। और सिस्टम जो बनाया गया है आज के टाइम में सोशल मीडिया में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कम नहीं हैं, सोशल मीडिया पर हमारा पूरा प्रचार चल रहा है, और निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में आपका भी सहारा ले रहे हैं, मीडिया का भी सहारा लेने का काम कर रहे हैं। आपके सहारे की जरूरत है, बिना आपके हमारी सरकार शायद नहीं बन सकती, ना ही हमें कोई मुकाम हासिल हो सकता है।